अस्सलामुअलैकुम, हमिंग फिटनेस में आपका स्वागत है। आज हम फ्रेंड्स शोल्डर वर्कआउट डालेंगे, पार्ट्स का शोल्डर वर्कआउट किस तरह से किया जाता है। पहले आपको स्ट्रेचिंग करना है, फ्रंट में 10 और बैक में 10, ऐसा 3 सेट लगाना है आपको। स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, स्ट्रेचिंग इसीलिए करना चाहिए कि मसल इंजरी ना हो कोई भी, और वर्कआउट आपको वेट हैवी लिफ्टिंग करने में आसानी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक पुलअप्स। ये आपको हाफ लगाना है, शोल्डर के लिए हाफ लगाना है आपको। इसके आपको 10 रैप मारना है और 4 सेट लगाना है। स्लोली ऊपर जाना है, स्लोली नीचे आना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक पुल डाउन। ये भी आपको हाफ लाना है, कानों के नीचे तक लाना है, ज़्यादा नीचे नहीं लाना आपको। ये भी शोल्डर में आप ऐड करें, इसे भी, इसके भी आपको 10-12 रेप लगाना है और 4 सेट लगाना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है रॉड से बारबर प्रेस। इसके भी आपको 10-12 रेप लगाना है और इसके आपको 3 सेट लगाना है। सिंगल शोल्डर वर्कआउट है ये। नीचे की तरफ आपको लेना है पूरा, और जो आपके कोने हैं वो अंदर की तरफ आने चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर मशीन प्रेस। इसके भी आपको 12-15 रैप लगाना है और 3 सेट लगाना है, 3 सेट और 12-15 रैप। स्लोली नीचे लेना है आपको, स्लोली ऊपर, और जब ये नीचे की तरफ आएगा तो शोल्डर के इसमें आपको लॉक रखना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है अर्नोल्ड प्रेस। इसके भी आपको 3 सेट लगाना है और 12-15 रैप लगाना है, 3 सेट और 12-15 रैप लगाना है इसके आपको। हैवी शोल्डर वर्कआउट। जब नीचे की तरफ आएंगे तो कोनी दोनों अंदर की तरफ आना चाहिए और ऊपर की तरफ डंबल टच होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है शोल्डर अपराइट ड्रॉ। इसको आपको बेंच के ऊपर लेटकर ये सेट को परफॉर्म करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए आपको 10-12 रैप लगाना है और 3 सेट लगाना है। ये देखिए, साइड से बता रहा हूँ मैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है सीटेड डंबल फ्लाई। इसके भी आपको 10-12 रैप मारना है और 3 सेट लगाना है। सीटेड डंबल फ्लाई। इसको फ्रंट की तरफ रखना है आपको, बैक की तरफ नहीं रखना। लास्ट एक्सरसाइज है राउंड पुशअप्स। ये आपको शोल्डर के लिए लगाना है राउंड पुशअप्स। देखिए किस तरह से पोजीशन होगी। इसके भी आपको 10-12 रैप लगाना है और 3 सेट लगाना है राउंड पुशअप्स के।
यहाँ पे शोल्डर हैवी शोल्डर वर्कआउट ख़त्म होता है। अमीन फिटनेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए फ्रेंड्स, ताकि आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।